फ्रेंड्स हाउ आर यू। चलिए आइए आज एसएससी रेलवे से रिलेटेड कुछ और सम करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात और बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल विजय सरदेवघर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको रेलवे एसएससी बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे सम के ट्रिक्स मिलेंगे, आप उन्हें सीखिए और एग्जाम में कैसे समय बचे उस ट्रिक को जानिए। बच्चों चलिए आइए देखते हैं इन सवालों को। क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू है ना, क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट करते हैं। एक मशीन अभी खरीदी गई है, एक मशीन खरीदी गई है, इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आती है। एक मशीन है बच्चों जो अभी खरीदी गई है, क्या कह रहा है, इस मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से, मानी ईयरली 10% की दर से क्या होती है, कमी होती है। यदि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना रहे, 72900 मतलब 72900 रुपया, 72900 रुपया हो तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा, व्हाट इज द सीपी ऑफ दैट मशीन, माने उस मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा, माने कॉस्ट प्राइस क्या था मशीन का, वो आपको बताना है। व्हाट इज द सीपी ऑफ दैट मशीन। एक मशीन अभी खरीदी गई है, इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आती है, यदि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य 72900 हो, माने 72900 रुपीज हो, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या हो, मशीन का क्रय मूल्य बतावें, तो फाइंड द सीपी ऑफ दैट मशीन। बहुत सिंपल बच्चों, ध्यान दीजिए, 10% वार्षिक दर से कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, उस आर को मान लेते हैं बच्चों हम 10%, ये ध्यान रखिए कमी हो रहा है। कोई भी सामान हम खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी सामान खरीदेंगे, उसका दाम हर ईयर या हर 6 महीना में, हर 3 महीना में क्या घटते आता है, कोई भी सामान खरीदेंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान वैल्यू इसका वो दाम घटते आता है, सोना चांदी खरीदेंगे तो दाम उसका बढ़ते आता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आर करना है 10% कमी हो रही है 3 वर्ष के बाद, तो बच्चों आपका टाइम दिया है 3 वर्ष, टाइम को एन मानते हैं बच्चों 3 ईयर्स, 3 वर्ष, 3 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, आर है 10%, एन है 3 वर्ष, और 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना है, इतना रुपया है ना, 3 वर्ष के बाद जो मूल्य होता है बच्चों उसको मान लेते हैं हम ए, मान लेते हैं ए, क्या दिया बच्चों 72900, इतना रुपया है, ये क्या है 3 वर्ष के बाद का मूल्य है 72900, समय 3 वर्ष है, रेट 10% दर से कमी हो रही है, बस इतने खाली ध्यान रखना बच्चों। अब हमको निकालना है सीपी, क्या निकालना है, तो बच्चों सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आपको बैठा देना है ए, क्या बैठाना बच्चों, ए बाय 1 - R/100 होल टू दी पावर एन, क्या बैठाना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सीपी बराबर ए, ए क्या है, इतना वर्ष के बाद जो मूल्य बचा था वो है, तो ए हो गया, बाय में क्या है 1 - R/100 होल टू दी पावर एन, बस इसी फॉर्मूला में आप पूर्ण कर दीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों, तो ए का मान कितना है 72900, 1 - R कितना बच्चों 10%, तो 10/100 और टाइम कितना था 3, यहाँ जो पावर में एन था उसके बदले में बैठा दिए 3 है ना बच्चों। चलिए अब इस सबको मिटा देते हैं, ऐसा कुछ काम नहीं है, ध्यान दीजिए बच्चों, अब देखिए ये देखिए जुड़ी का क्या हुआ, कट गया, तो क्या बचेगा, यहाँ कर रहे हैं 72900, यहाँ क्या बच्चों देखिए 1 - 1/10, 1 - 1/10 क्या कीजिएगा
टेन वन जा टेन माइनस वन, दस एकम दस माइनस एक, दस एकम दस माइनस एक, तो आपका हो गया नौ बटे दस। अब पावर में कितना दिया है, तीन, है ना बच्चों। तो क्या कीजिएगा आप, सेवन टू नाइन डबल जीरो लिख लिया बच्चों, है ना। अब देखिए नौ बटे दस है ना, ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दस बटे नौ, दस बटे नौ, दस बटे नौ, है ना बच्चों। ये नौ बटे दस था, उलट गया कितना हुआ, दस बटे नौ, दस बटे नौ, दस बटे नौ। अब बच्चों कटाइए, नौ से काटिए क्या बना कटेगा, नौ अठी बहत्तर, नौ नवा नौ एकम नौ, इक्यासी है बच्चों। फिर नौ से कटेगा बच्चों, नौ नवा इक्यासी, नौ से कट गया ही एक बार में, कितना बचा, एक यहाँ है और दो को जीरो, मैंने एक सौ हो गया बच्चों ही। अब गुना कितना है, दस गुना दस गुना दस, मैंने हजार हो गया ये, तो हजार गुना एक सौ, तो कितना हो गया, पाँच सौ ना है बच्चों। एक लाख रुपया उसका सीपी था, कितना में खरीदा था मशीन हुआ, एक लाख रुपया में खरीदा था, तीन वर्ष के बाद उसका दाम कितना हो गया था, बहत्तर हजार नौ सौ, है ना। पहले दाम कितना में खरीदा था मशीन, एक लाख मशीन खरीदा था, लेकिन तीन वर्ष के बाद दाम कितना था, तीन वर्ष के बाद बहत्तर हजार नौ सौ रुपया, समझ गए ना। यहाँ नौ 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 से कटाए थे, बहत्तर हजार नौ सौ कटाए बच्चों, ये तीनों नौ से, तो एक सौ बचा, एक सौ को दस दहिया सौ दे, हजार से गुना कर दे। काटने का नियम तो आपको खुद आता ही होगा, काटने क्या बताएंगे, ठीक है बच्चों, ये समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर वन, वन में क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए क्या कह रहा है, नमक के छह लीटर घोल में, नमक के छह लीटर घोल में पांच प्रतिशत नमक है, नमक के छह लीटर घोल में पांच प्रतिशत, नमक के छह लीटर घोल में पांच परसेंट नमक है, वाष्प द्वारा, वाष्प से वेपर के द्वारा, वाष्प द्वारा इस घोल में से एक लीटर पानी उड़ जाता है, गर्म की होंगे या गर्मी के कारण क्या हो, वाष्प बना, वाष्प से क्या हो बच्चों, एक लीटर पानी उड़ गया, तो शेष में प्रतिशत नमक बराबर वाट, शेष में परसेंटेज, ये परसेंटेज है, प्रतिशत नमक बराबर वाट, कितना परसेंट नमक शेष बचता है वो निकालना है, ध्यान दे बच्चों। तो छह लीटर में कितना है, पांच परसेंट नमक है, तो पहले बच्चों नमक कितना हो निकाल दीजिए, नमक की मात्रा, नमक की मात्रा निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, छह का पांच परसेंट, है ना, छह लीटर था तो छह का पांच परसेंट, तो छह गुना पांच बटे दस, तो कैसे बच्चों, छह का पांच परसेंट निकाल रहे बच्चों, कितना हो गया आपका, तो पांच छह गुना ये प्रतिशत मान क्या होता है, बाय में सौ होता है, तो छह गुना पांच बटे सौ, काटिए पांच से काटे बच्चों, पांच गुनी दस, है ना, बीस पंचे सौ, कट गया बच्चों, बीस बार में कटा, बीस पंचे सौ, तो क्या हो गया, छह बटे बीस, और कटेगा काटिए उसको, तीन बटे दस, मतलब थ्री बाय टेन, क्या हो गया बच्चों आपका, थ्री बाय टेन क्या हो गया, नमक की मात्रा हो गया, छह का पांच परसेंट नमक है, तो छह का पांच परसेंट कितना होगा, तीन बटे दस हो गया, ये होगा, ध्यान रखिएगा ये नमक की मात्रा है बच्चों। अब कितना उड़ गया, एक लीटर पानी उड़ गया, तो छह लीटर जो घोल था, एलबीस लीटर, छह लीटर में से कितना उड़ गया बच्चों, एक लीटर उड़ गया, तो क्या बचा आपका, पांच लीटर, कितना बचा आपका, छह लीटर में से एक लीटर उड़ गया, वाष्प से कितना उड़ा, वाष्प से एक लीटर जब मेरा उड़ गया था, तो शेष मेरा कितना बच गया, पांच बच गया बच्चों, क्या बच गया, शेष पांच, मैंने शेष बच गया आपका पांच लीटर बचा, इसलिए प्रतिशत नमक, प्रतिशत साठ कितना है, तो देखिए नमक कितना था आपका, तीन बटे दस, ये लिखे बच्चों, गुना एक सौ, प्रतिशत निकालना गुना सौ करेंगे, बाय शेष में निकालना था, शेष कितना था, पांच लीटर, पांच काटिए इसको, जीरो जीरो कट गया बच्चों, पांच गुनी दस, पांच गुनी दस कितना हुआ, छह परसेंट आंसर, तीन दुनी छह परसेंट बच्चों नमक बचा, समझ गए ना।
नमक की मात्रा निकाल लिए 6 का 5% तो हो गया 3/10। इस 6 लीटर में से 1 लीटर क्या होता है वाष्प से उड़ गया, कितना बचा 5 लीटर। अब कैसे निकाले परसेंट नमक, जितना बचा था वो लिख दिए into 100 कर दिए बच्चों, है ना। नमक की जो मात्रा था 3/10, नमक की नमक का परसेंट जितना नमक था उतना लिख दिए इंटू, परसेंट निकालना है तो 100 से इंटू करना है, और जो शेष बचा था 5 वो लिख दिए, कटा के आपका ये आंसर हो गया। तो बच्चों विश्वास है कि आपने ऐसा सीख लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय बाय।